हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। उसका नाम है हाइड्रोजन। तो हम अब तक दो तीन चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो कि बायो का चैप्टर था। सेकंड हमने ख़त्म किया है आपका पॉलीमर, और थर्ड आपका ख़त्म किया है हमने, यानी कि पढ़ा दिया है, और थर्ड आपका है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, और फोर्थ जो हम देखेंगे छोटी छोटी चैप्टर देख लेते हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं, तो वन शॉट में इसका पूरा ख़त्म कर देंगे इसका, या फिर दो तीन वीडियो कोई 10 या 20 20 मिनट की वीडियो करके आपके लिए डाल देंगे। तो जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शुभम राजपूत और आप देख रहे हैं एग्जाम टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो हाइड्रोजन के बारे में पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है कि हाइड्रोजन की पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल क्या है। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, तो फर्स्ट जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। तो हाइड्रोजन की पोजीशन जो पीरियोडिक टेबल में है वो फिक्स नहीं है। ये क्या करता है कि कुछ हेलोजन और कुछ अल्कली मेटल जैसे बिहेवियर शो करता है। ठीक है, तो इसको हम सेपरेटली भी रख सकते हैं। इसके लिए तो हम लिखेंगे कि द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट डिसाइडेड, इसे हम कहाँ पर रखें। तो पोजीशन विल नॉट डिसाइडेड। ठीक है, तो पोजीशन इसकी डिसाइड नहीं है। सेकंड जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कि हाइड्रोजन की अकरेंस, मतलब कि यह कहाँ कहाँ पर मिलता है। तो सेकंड हमें लिखना है अकरेंस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये सारे एनसीईआरटी के पॉइंट हैं। जो हाइड्रोजन है उसकी अकरेंस क्या है, यह कहाँ कहाँ पर मिलता है। तो यूनिवर्स में जो हाइड्रोजन अपना कंपोजिशन देता है वो कितना होता है, 70%। तो यूनिवर्स इज कम्पोज ऑफ 70% ऑफ हाइड्रोजन। जिस सारा एनसीईआरटी का डाटा है स्टूडेंट्स, तो मैं लिख दूंगा कि यूनिवर्स कंपोज्ड, यूनिवर्स कंपोज्ड अबाउट 70% ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि कितनी हाइड्रोजन है, 70% हाइड्रोजन है पूरे यूनिवर्स में। ठीक है, तो कितने परसेंट हाइड्रोजन है, 70%। और अर्थ क्रस्ट में कितना है, अर्थ क्रस्ट और कंबाइंड फॉर्म दोनों को मिलाकर के जो आपकी हाइड्रोजन की परसेंटेज है वो अप्रोक्स 15% है। ठीक है, तो इन अर्थ क्रस्ट में जो हाइड्रोजन की पोजीशन है, और इन कंबाइंड स्टेट दोनों को मिलाकर के जो इसकी परसेंटेज आती है वो अप्रोक्स 15% आती है। यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट हमने क्या देखा कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट डिसाइडेड, किसे कहाँ पर रखें। ये हेलोजन और अल्कली मेटल दोनों की तरह कहीं कहीं पर प्रॉपर्टी शो करता है, तो इसकी वजह से इसकी पोजीशन जो साइंटिस्ट लोग हैं वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये हुआ। और सेकंड हमने देखा इसकी अकरेंस ऑफ हाइड्रोजन क्या है। यूनिवर्स में जो हाइड्रोजन है वो 70% है अप्रोक्स, कितना है, 70%। और जो अर्थ क्रस्ट और कंबाइंड फॉर्म में जो पाया जाता है वो आपका अर्थ क्रस्ट और कंबाइंड फॉर्म दोनों को मिलाकर के कितना है, अर्थ क्रस्ट और कंबाइंड फॉर्म में कितना है, 15%। देन इसके बाद जो हमें पढ़ने हैं आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो बच्चों हेडिंग लगाता हूँ मैं स्टूडेंट्स, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स क्या हैं, ये सिंबल जनरली यही अकरेंस, इसकी अकरेंस सबसे ज़्यादा होती है। तो फर्स्ट है इसका, चलो इसे रफ करते हैं, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इसे जल्दी से नोट कीजिए फटाफट, 1 2 3। तो साथ ही साथ वीडियो बनाते चलनी है आपको, सॉरी नोट्स बनाते चलने हैं आपको। वीडियो तो मैं बना रहा हूँ, कितना गंदा रफ कर रहा है ये। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। देन हमें क्या पढ़ना था, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, वो हेडिंग आपने लगा ली होगी। तो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन में फर्स्ट है आपका प्रोटियम, प्रोटियम। ठीक है, सेकंड है आपका ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। और थर्ड है आपका
ट्राइटियम। तो थर्ड में लिख देता हूँ आपका ट्राइटियम, ठीक है। फर्स्ट प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, इसके तीन आइसोटोप हो गए। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 1H1, ठीक है। यानी एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों ही क्या हैं, सेम सेम है, और इसको पी से भी डिनोट हम कर सकते हैं। सेकंड है 1H2, और इसको हम लिख सकते हैं डी, यानी कि ड्यूटेरियम। थर्ड है इसका 1H3, और इसको हम टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो प्रोटियम के लिए पी, ड्यूटेरियम के लिए डी, और ट्राइटियम के लिए टी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो प्रोटियम में जो इलेक्ट्रॉन के जो नंबर है वो एक है, ठीक है। ड्यूटेरियम में भी इलेक्ट्रॉन का नंबर एक ही है, और ट्राइटियम में भी इलेक्ट्रॉन का नंबर एक ही है। सेकेंड हमें देखना है प्रोटोन, प्रोटोन नंबर कितना है। तो प्रोटोन प्रोटियम में भी 1 है, और ड्यूटेरियम में भी 1 है, और जो आपका ट्राइटियम है उसमें भी 1 है। लेकिन आपको न्यूट्रॉन के नंबर में डिफरेंस देखने को मिलेगा। न्यूट्रॉन क्या होता है, जेड माइनस ए, ठीक है, जेड माइनस ए। तो जेड माइनस ए यानी 1 में से 1 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 1, ठीक है। 2 में से 1 गया तो 1, और सॉरी 1 में से 1 0 अंडा, और इसके बाद 1, और इसके बाद 3 माइनस 1 2। तो यहाँ देख सकते हैं आप, न्यूट्रॉन का जो नंबर है यहाँ पर वो 0, और यहाँ पर 1, और यहाँ पर 2 है, ठीक है स्टूडेंट्स। देन डेंसिटी, डेंसिटी क्या बोलती है इनकी, डेंसिटी क्या क्या होती है, डेंसिटी देख लेते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट तो है नहीं। इसकी जो डेंसिटी होती है वो होती है 0.09 ग्राम पर लीटर, ठीक है। इसकी जो डेंसिटी होती है 0.18 ग्राम पर लीटर, और इसकी जो डेंसिटी होती है वो होती है 0.27 ग्राम पर लीटर, ठीक है। देन इसके बाद जो हमको डिस्कस करना है, इनके जो आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के, उसके बारे में जो डिस्कस करना है वो है इनकी परसेंटेज अबंडेंस, या फिर परसेंटेज अबंडेंस, ठीक है। तो परसेंटेज अबंडेंस सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाएगा आपका, प्रोटियम। तो 99.956% आपका कौन होगा, प्रोटियम होगा। देन ड्यूटेरियम की जो अकरेंस होगी वो कितनी होगी, 0.015%, ठीक है। और प्रोटियम जो होता है वो क्या होता है, ये क्या होता है, बहुत ही नेगलेक्ट होता है ये, नेगलेक्ट नेगलेक्ट यानी कि नेगलेक्ट अमाउंट में पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये थे हाइड्रोजन के आइसोटोप। देन हम इसके बाद डिस्कस करते हैं, जल्दी जल्दी से इसे नोट कीजिए। तो आपने नोट कर लिया होगा, 1, 2, 3 में रफ करने जा रहा हूँ। तो ये क्या थे, हाइड्रोजन की आइसोटोप्स, ठीक है। आइसोटोप्स जी हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है उसे आइसोटोप्स कहते हैं। देन वी विल बी डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन, या फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो मैं यहाँ पे हेडिंग लगा देता हूँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन को हम किस किस तरीके से बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मेथड है लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड क्या कहता है देखते हैं, लेबोरेटरी मेथड इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है। लेबोरेटरी मेथड में क्या होता है, जब हम जिंक सॉलिड को किसके साथ, 2 मोल ऑफ HCl, ठीक है, के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो हमें मिलता है ZnCl2, ठीक है। और जो H2 गैस होती है वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ये लेबोरेटरी मेथड है। एक और मेथड है इसका लेबोरेटरी में, जैसे जिंक है, जिंक को जब मैं Na या 2 मोल ऑफ NaOH के साथ रिएक्शन कराऊंगा मैं, तो मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा Na2 ZnO2 प्लस H2 गैस रिलीज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि लेबोरेटरी मेथड क्या है यहाँ पर, ठीक है। और इसको हम जो कहते हैं ये है सोडियम जिंकॉइट, ठीक है। तो सोडियम जिंकॉइट ध्यान रखना है आपको, कि सोडियम जिंकॉइट का फॉर्मूला क्या है, Na2ZnO2, Na2ZnO2 इज द सोडियम जिंकॉइट। तो सोडियम जिंकॉइट क्या है, ये Na2ZnO2। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फर्स्ट मेथड हुआ अपना लेबोरेटरी मेथड स्टूडेंट्स। तो देन इसके बाद वी विल बी डिस्कस अबाउट द कॉमर्शियल मेथड, जो कि इंडस्ट्रियल लेवल पर यूज किए जाते हैं। तो मैं इसे रफ करता हूँ, 1, 2, 3।
नोट्स आपको साथ ही साथ बनाते चलने हैं, कॉपी और पेन साथ में निकाल के रखें, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में नंबर दो हमें क्या देखना है, कॉमर्शियल मेथड, नंबर दो है आपका कॉमर्शियल मेथड, कॉमर्शियल मेथड, कॉमर्शियल मेथड में क्या है आपका नंबर फर्स्ट। अब नंबर दो कॉमर्शियल मेथड में भी हम इसमें भी आते हैं, जैसे कि नंबर फर्स्ट है अब इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2O2, यानी जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, H2 गैस मिलती है, और H2 गैस कहाँ पे मिलती है हमें, कैथोड पे मिलती है स्टूडेंट्स। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से कैथोड पर 2 मोल ऑफ H2 गैस मिल जाती है। तो मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2 गैस, तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2 गैस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉरी H2O, वेरी वेरी सॉरी स्टूडेंट्स, H2O, तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2O से हम क्या ऑप्टेन कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस ऑप्टेन कर सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ 2 मोल ऑफ H2O का जब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो क्या मिल जाएगा हमें, एन कैथोड पर 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो 2 मोल ऑफ वाटर का जब मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस कराया इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो 2 मोल ऑफ H2 गैस मुझे मिला कैथोड पर, कहाँ पर मिला, कैथोड पर, प्लस जो ऑक्सीजन गैस जो रिलीज होगी वो आपकी कहाँ पर होगी, एनोड पर, कहाँ पर होगी स्टूडेंट्स, एनोड पर, ठीक है। तो इसमें कॉन्सेप्ट तो जरा सा भी नहीं है, आपको याद रखना है जब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कराएंगे तो 2 मोल ऑफ H2 गैस कहाँ पर मिलेगी, कैथोड पर, और ऑक्सीजन गैस कहाँ पर मिलेगी, एनोड पर। तो हमें इसकी तो प्रिपरेशन करनी है, लेकिन हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसकी देख रहे हैं, वाटर के नहीं, सॉरी ऑक्सीजन के नहीं, हाइड्रोजन की देख रहे हैं। तो हाइड्रोजन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से आप आराम से ये बना सकते हो क्या, हाइड्रोजन गैस। तो स्टूडेंट्स ये था इसका फर्स्ट मेथड, देन वी विल बी डिस्कस अबाउट द सेकेंड मेथड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर गैस के बाद, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। अब नंबर दो जो हमें पढ़ना है वो है, नंबर दो वो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, ओके स्टूडेंट्स, बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब जो यहाँ पर हम जो इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो आपको बस सीधा प्रोडक्ट तो सीधा मिल जाएगा, लेकिन एक इसमें इम्पोर्टेंट वो आता है कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, अभी पिछले में हमने वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराया था स्टूडेंट्स, तो वो क्या था, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम था, एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में। लेकिन जो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस होगा वो निकिल इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में होगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ निकिल, सॉरी ये स्पेलिंग गलत हो गई, इन प्रेजेंस ऑफ निकिल इलेक्ट्रोड, निकिल इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब जो हमें इस मेथड से जो हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होती है वो 99.95% प्योर होती है, 99.95% प्योर होती है। तो कॉमर्शियल मेथड में फर्स्ट मेथड हमने देखा था इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, सेकंड मेथड हमने देखा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड BOH फुल ट्वाइस। तो जब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड बना करते हैं हम, तो हमें 99.95% प्योर हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होती है, ठीक है स्टूडेंट। अब नंबर थ्री डिस्कस करते हैं, तो जल्दी से नोट कीजिए इसे, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा बहुत ही अच्छे से। तो हम थर्ड मेथड डिस्कस करते हैं, थर्ड मेथड क्या है इसमें, थर्ड मेथड है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्रैंच सोल्यूशन, यानी कि जो एक्वस NaCl होता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्रैंच सोल्यूशन कहते हैं। तो मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्रैंच सोल्यूशन, और ब्रैंच सोल्यूशन क्या कहते हैं, एक्वस NaOH, वो सॉरी एक्वस NaCl क्या होता है, एक्वस NaCl इज द ब्रैंच सोल्यूशन, तो यू विल बी लर्न दिस, ठीक है। तो एक्वस NaCl इज द ब्रैंच सोल्यूशन, ठीक है। तो ब्रैंच सोल्यूशन का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, तो मैं लिखता हूँ NaCl दिस
देखते हैं स्टेप बाय स्टेप है एक क्वेश्चन। ठीक है, हमने इसका क्या कराया, इलेक्ट्रोलिसिस कराया। इलेक्ट्रोलिसिस कराया तो क्या मिलेगा हमें, एक क्वेश्चन ध्यान रखना कि यहाँ पर पानी भी है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इलेक्ट्रो लाइसिस। ठीक है स्टूडेंट, इलेक्ट्रोलाइसिस कराऊंगा किसका, ब्रैंच सोल्यूशन का, तो मुझे क्या मिलेगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस। ठीक है, एथ कैथोड प्लस Cl2 गैस एट एनोड, तो ये आप आराम से लर्न कर सकते हैं। ठीक है, एनोड और कैथोड पे हमें क्या मिलेगा, कैथोड पे हमें वाटर गैस, वो सॉरी H2 गैस मिल जाएगी, और एनोड पे सॉरी कैथोड पे H2 गैस और एनोड पे हमें Cl2 गैस मिल जाएगी। तो यहाँ तक आपकी समझ में आ जाना चाहिए, ये था नंबर 3 मेथड। अब नंबर 4 क्या है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, तो स्टूडेंट्स इसे नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। नंबर 4 जो है आपका, नंबर D भी कह सकते हैं, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से हम कैसे बना सकते हैं आपका H2 गैस, तो हमें क्या लेना है, एक एल्किन लेना है, एल्किन लेना है और एन मोल ऑफ वाटर लेने हैं, एन मोल ऑफ वाटर। अब इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल, आपको याद होगा निकिल प्लेटिनम और पैलेडियम के प्रेजेंस में कराते हैं तो हाइड्रोजनेशन कहते हैं इस रिएक्शन को, लेकिन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन एक एल्किन लेना है हमें। ठीक है, Cn H2n+2, ये क्या हो जाएगा, एक एल्किन हो जाएगा। अब एन मोल ऑफ वाटर ले लिया हमने, तो हमें जो मिलेगा प्रोडक्ट वो क्या होगा, एन मोल ऑफ Cu। ठीक है, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, देन हमें 3n+1 मोल H2 गैस ऑब्टेन हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिक्सचर, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि द मिक्सचर ऑफ Co+H2, अब ये Co+H2 का जो मिक्सचर है, तो मैं लिख सकता हूँ मिक्सचर ऑफ Co+H2, तो आपसे पूछा जाएगा कि द मिक्सचर ऑफ Co+H2 क्या कहलाता है, सिनगैस, क्या कहलाता है, सिनगैस, वॉट इज सिनगैस, तो आप बता सकते हैं Co+H2 इज द सिनगैस, और इसे क्या कहते हैं, सिंथेसिस गैस, क्या कहते हैं, सिंथेसिस, सिंथेसिस गैस, सिनगैस या सिंथेसिस गैस, सिनगैस या फिर सिंथेसिस गैस। ठीक है, और सिनगैस और सिंथेसिस गैस, अब हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ सिनगैस इज यूज टू प्रिपरेशन ऑफ मिथेनॉल। ठीक है, किसके प्रिपरेशन में यूज करते हैं इसे, हम मिथेनॉल के प्रिपरेशन में हम इसे यूज करते हैं, तो हम इस वजह से क्या कहते हैं, इसे सिंथेसिस गैस बोलते हैं। तो स्टूडेंट आपको यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो Co+H2 इज अ सिनगैस। देन हम नंबर अगला पढ़ते हैं, नंबर जो भी है आपका ABCDE। तो स्टूडेंट यहां तक आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, ये कोई हाइफंडू टाइप का तो कुछ है नहीं इसमें, सीधा सा है कि इसकी इससे रिएक्शन कराएंगे तो ये मिलेगा, इसकी इससे रिएक्शन कराएंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, देन हमें नंबर E जो है, E वो कहाँ है, वो है फ्रॉम CoAl। ठीक है, CoAl, अब ये रिएक्शन आपकी क्या कहलाती है, इस रिएक्शन को हम कूल गैसिफिकेशन कहते हैं, यानी कि जब हम कार्बन की रिएक्शन H2O से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ 1270 केल्विन एंड निकिल की प्रेजेंस में, तो हमें Co+H2 गैस मिलती है। ठीक है, और Co+H2 क्या है, अभी मैंने बताया आपको क्या होती है, सिनगैस होती है Co+H2, और इस रिएक्शन का नाम होता है कोल गैसिफिकेशन, क्या होता है, कोल गैसिफिकेशन। तो यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, कोल गैसिफिकेशन क्या है, कि जब कार्बन की रिएक्शन हम वाटर्स कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ 1270 केल्विन इन और निकल के प्रेजेंस में, तो हमें सिनगैस ऑब्टेन होती है, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कोल गैसिफिकेशन, क्या कहते हैं, कोल गैसिफिकेशन। देन इसी के जैसी एक और रिएक्शन है, यहां पर हम लेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर, सेम टू सेम एग्जैक्ट वही आपको टेम्परेचर रखना है, लेकिन इस बार आपको जो कैटलिस्ट है वो चेंज कर देना है। ठीक है, तो कैटलिस्ट पहले निकिल था, अब हम क्या यूज करेंगे, आयरन, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट ऑप्टेन होगा वो क्या होगा, CO2+
H2 गैस यहाँ पर ओपटेन हो जाएगी, ठीक है। और इस रिएक्शन का नाम क्या है? इस रिएक्शन का नाम है वाटर शिफ्ट रिएक्शन। क्या है? वाटर, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वाटर शिफ्ट रिएक्शन, वाटर शिफ्ट रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस खत्म होते हैं। तो अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज जो, चलो इसी में बता देता हूँ मैं, एक मिनट रुको। तो यहाँ तक नोट करो जल्दी से, 1 2 3, ठीक है, रफ करता हूँ। जो रिएक्शन है कोल गैसिफिकेशन है, कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन किसे कहते हैं और वाटर गैस वाटर शिफ्ट रिएक्शन किसे कहते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होते हैं, खत्म होते हैं हाइड्रोजन के, एक मिनट रुको, बस 2 मिनट का टॉपिक और है, ठीक है। देन इसके बाद हमें पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं हाइड्रोजन की। ये एक कलरलेस है, कलरलेस गैस है, कलरलेस गैस। देन ऑर्डरलेस होती है, कोई स्मेल नहीं होती इसमें, ऑर्डरलेस होती है। और डाई एटॉमिक होती है, कैसे होती है? डाई एटॉमिक होती है और टेस्टलेस होती है, टेस्टलेस। तो स्टूडेंट्स ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर खत्म होता है। देन अगली वीडियो में हम आपसे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जब तक के लिए पढ़ते रहिए। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बिल्कुल, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।